हम देख रहे थे, समझने का प्रयास कर रहे थे रेपो रेट को, और रेपो रेट को हमने किस रूप में समझा था? हमने समझा था कि रेपो रेट से तात्पर्य उस दर से है जिस दर पर क्या करते हैं बैंक अल्पकालिक समय के लिए क्या करते हैं ऋण प्राप्त करते हैं, और ये जो ऋण प्राप्त करते हैं बैंक किससे करते हैं? आरबीआई से। स्वाभाविक इनको क्या करना है, कुछ ब्याज देना पड़ता होगा। अगर इस ब्याज की दर बढ़ा दे आरबीआई तो इनके अल्पकालिक जो जरूरतें हैं इनको क्या करना होगा, रोकना होगा, और उसको किसी और माध्यम से क्या करना होगा, पूरा करना होगा। अर्थात रेपो रेट जैसे जैसे ज्यादा होगा बैंक अब क्या करेंगे कि कम से कम लोन देने का प्रयास करें। अर्थात अभी तक हम जितने प्रोसेस देख रहे हैं, चाहे सीआरआर हो एसएलआर हो, उस पर हम देख रहे हैं उसके माध्यम से तरलता को क्या किया जा सकता है, कम और ज्यादा किया जा सकता है। ये जो रेपो रेट होता है ये भी दो तरह का होता है। अगर इसकी जो है कि अवधि अर्थात 24 घंटे के लिए लिया गया है, अर्थात एक दिन के लिए लिया गया है, तो इसको बोला जाता है ओवर नाइट रेपो रेट। यदि यह 14 दिन तक के लिए लिया गया है, एक दिन से ज्यादा 14 दिन तक के लिए है, तो इसको बोला जाता है टर्म रेपो रेट, टर्म रेपो रेट। अर्थात यह जो रेपो रेट है इसमें भी अंतर। अब जैसे मान लीजिए अगर ओवरनाइट कोई रेपो रेट ले रहा है, इस रेट पर क्या कर रहा है, वो पैसा प्राप्त कर रहा है, तो कितने देर के लिए? 24 घंटे के लिए, एक दिन के लिए। स्वाभाविक है इसमें उसको उतना ज्यादा ऋण नहीं प्राप्त हो सकता जितना लंबे समय के लिए प्राप्त हो सकता है, इसीलिए ओवरनाइट रेपो रेट में क्या हो सकता है, मैक्सिमम जो मिल सकता है 0.25%। और किसका 0.25%? एनडीटीएल का, किसको? बैंकों को, आरबीआई से मिल सकता है। अगर अर्थात आपको 24 आप बैंक चला रहे हैं, आपको ऋण की जरूरत है अगर, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप जितना चाहे पैसा उतना ले लीजिए किसके, ओवरनाइट रेपो रेट से। आपको क्या मिलेगा, जो पैसा मिलेगा 0.25% ही एनडीटीएल का क्या होगा, ऋण के रूप में मिल पाए। तो ये जो टर्म रेपो रेट होता है इसमें इसकी मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि समय अवधि बढ़ गई है, यह हो जाता है 0.75%, और किसका, एनडीटीएल का। अर्थात रेपो रेट के माध्यम से जो मैक्सिमम पैसा आपके पास आ सकता है वह क्या है, 0.75% ही आपको मिल सकता है उधार। लेकिन अब जो भी आप ये पैसा रेपो रेट के माध्यम से ले रहे हैं, आपको क्या करना होगा, अगर आपने 100 रुपए ऋण लिया तो 100 ही रुपए की क्या करना होगा, प्रतिभूति रखना होगा। और जो प्रतिभूति रखना होगा ये किसके पास रखना होगा, आरबीआई के पास रखना। अर्थात ऐसा नहीं है कि आप कहें बैंक आरबीआई से कि वो पैसा दे दे और वो पैसा आपको हमेशा उपलब्ध करवा। यह क्या करना होगा, आपको यह बताना होगा कि हमको कितने समय के लिए चाहिए। आपके पास दो विकल्प हैं, क्या है कि ओवरनाइट पे ले सकते हैं या टर्म रेपो रेट पे ले सकते हैं। ओवरनाइट पे जब डिमांड करेंगे तो आपको कितना पैसा मिलेगा, 0.25% ही मिलेगा, और अगर टर्म रेपो रेट से पैसा लेने का प्रयास करेंगे 0.75 मिल जाएगा। और लेकिन जितना आपको पैसा लेना है उतने की क्या करना होगा, आपको सिक्योरिटी रखनी होगी। किसके पास रखनी होगी, आरबीआई। एक भी चीज ध्यान देना है, ये जो सिक्योरिटी है वह वाला नहीं है जो एसएलआर में था। अर्थात आप ये नहीं कर सकते जो एसएलआर में जो सिक्योरिटी थी आप उसका यहां पर यूज कर रहे, आपको वह जो सिक्योरिटी है पेपर में आपने निवेश किया उसको ऐसे ही रखना है। इसके लिए क्या आपने पास आपको एक स्टॉक रखना होता, और प्रत्येक बैंक ऐसा करती है कि ताकि उनको पता है कि जरूरत पड़ सकती है जल्दी में, तो उनको वह अपने पास ऐसी प्रतिभूतियां रखते हैं जिससे वो क्या करें, पैसा ले सके। अब आपने रेपो रेट सुन लिया, तो अब इसी के साथ जुड़ा हुआ है रिवर्स रेपो रेट, और जो रिवर्स रेपो रेट है उसकी कार्य प्रणाली जस्ट इसके थोड़ा सा अपोजिट है, इसीलिए इसका नाम भी क्या है, रिवर्स रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट को ट्रिपल आर से दिखाया जाता है, उसी तरह जैसे रेपो रेट को डबल आर से दिखा रहे थे इसको। यह वह दर है जिस दर पर क्या करती आरबीआई
क्या करती है, वाणिज्यिक बैंकों से क्या करती है, ऋण प्राप्त करती है। कौन प्राप्त कर रहा है? आरबीआई। या फिर यह वह पैसा है जो बैंकों के पास अधिशेष है। बैंकों के पास क्या है? अधिशेष है। और इस अधिशेष को वह क्या कर सकते हैं, इस अधिशेष को आरबीआई के पास जमा करके इस पे क्या कर सकते हैं, ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो ट्रिपल आर है अर्थात रिवर्स रेपो रेट है, यह हमेशा 0.5% जो है कम रहेगा किससे, रेपो रेट से। फिर प्रश्न यह आएगा कि बैंक जमा ही फिर क्यों करे। ये तो समझ में आता है कि आरबीआई करे वाणिज्यिक बैंकों से क्या करें, ऋण प्राप्त। यह भी जरूरी है कि ऋण कैसे प्राप्त करें। ऋण प्राप्त करने से तात्पर्य यह है कि अगर आरबीआई को लगता है कि बाजार में तरलता बढ़ गई तो वह क्या कर सकती है, कुछ सिक्योरिटी पेपर मार्केट में जारी कर सकती है। और वो जारी कर सकती है, उसको कहेगी कि आप इसको, बैंकों से कहेगी आप इसको खरीद लीजिए और हम एक निश्चित समय बाद क्या करेंगे, इसको वापस ले लेंगे और उस पे क्या होगा, कुछ ब्याज मिल जाए। दूसरा है कि बैंक भी खुद कह सकते हैं आरबीआई से कि आप हमसे कुछ पैसा, हमारे पास अधिशेष है, आप रख लीजिए। ये दोनों प्रोसेस क्या हो रहे हैं, बैंक से पैसा किसके पास जा रहा है, आरबीआई के पास। अभी तक कहां जा रहा था, बैंक से, और आरबीआई का जो सिस्टम था वह एक निश्चित मात्रा फिक्स कर रहा था। अब क्या रहा है, बैंक स्वयं दे रहे हैं और क्या प्राप्त कर रहे हैं, ब्याज जो अभी तक नहीं मिला। यह जो ब्याज प्राप्त कर रहे हैं 0.5% किससे, रेपो रेट से कम है, अर्थात जो अल्पकालिक समय के लिए ऋण ले रहे थे उससे कम दर। फिर प्रश्न यह है कि निवेश करना क्यों चाहिए। जो बैंक होते हैं जितना पैसा देते हैं जरूरी नहीं उतना पैसा उनको मिल जाए। अर्थात आपने एक शब्द सुना होगा एनपीए, नॉन प्रॉफिट एसेट्स। विजय माल्या का नाम इस समय चल ही रहा, आप देख रहे हैं उनको बैंकों ने क्या दिया, पैसा दिया, और उन पैसा जो दिया उस पर क्या उनको कुछ लाभ मिलने की उम्मीद थी। लाभ तो छोड़ दीजिए, उन्होंने जो अपना पैसा दिया वही उनको वापस मिल जाए, बड़ी बात है। तो अब बैंक क्या करेंगे, वह कुछ पैसा ऐसी जगह पे भी निवेश करना चाहेंगे जहां पे वह संपत्ति बिल्कुल भी एनपीए के रूप में कन्वर्ट ना हो। मान लीजिए अगर वर्तमान समय में बैंक 100 रुपए दे रहे हैं तो उसमें से क्या हो जा रहा है, 4% एनपीए के रूप में कन्वर्ट हो जा रहा है। एनपीए अर्थात नॉन प्रॉफिट एसेट्स, वो ऐसे एसेट्स हैं जो मिलने की जिनकी संभावना क्या हो गई, कम हो गई है, जिन पर लाभ भी नहीं मिलना। तो अगर ये 4% है तो आरबीआई क्या करेगी, दो विकल्प है, वो रिस्क लेकर क्या करे, 100 रुपए निवेश करे और वो मान के चले कि 4% एनपीए में कन्वर्ट हो सकता, उसी के हिसाब से वो क्या करे, प्रॉफिट पहले से तय करके लेके उसका 4% का जो घाटा हो सकता था वो पूरा हो गया। दूसरा है वह कहे कि 100 रुपए हमारे पास है, हम 100 रुपए क्या करेंगे, आरबीआई के पास जमा कर देंगे, इस पे हो सकता है, इस प्रोसेस से हो सकता है लाभ मिलने की संभावना 10 रुपए हो, लेकिन इससे हो सकता है 5 रुपए या 6 रुपए हो, लेकिन इससे क्या है, इसमें एनपीएस में कन्वर्ट होने का पैसे का डर बिल्कुल भी नहीं है। और यह जो प्रोसेस है क्या है, इसमें पैसा एकदम सुरक्षित रहता है, इसलिए बैंक क्या कर सकते हैं। और दूसरा यह चूंकि वाणिज्यिक बैंक है, जो भी बैंक है आरबीआई के रेगुलेशन से जुड़े होते हैं, जब आरबीआई के रेगुलेशन से जुड़े हैं तो स्वाभाविक उनको मानना भी क्या है, उनके लिए एक बाध्यता। अब ये जो आपने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट देखा, इसमें रेपो रेट से क्या हो रहा था, तरलता कम और ज्यादा किया जा करके बैंक कर सकते हैं। सेम प्रोसेस यहां पर भी हो सकता, अगर आरबीआई क्या करे कि इसकी रेट बहुत कम कर दे, अर्थात वही पहले मान लीजिए वह यह कह रहे थे कि पहले 5% है, अब वो कह रहे 3% या 2% है, तो क्या हुआ, जब अगर वह ब्याज मिलने की जो दर है बहुत कम हो जाएगी तो बैंक जो अपने पास अधिशेष हो क्या करेंगे, आरबीआई के पास नहीं रखेंगे, वो अपने पास ही सुरक्षित है। ये जो ट्रिपल आर है और डबल आर है, इसी को बोला जाता है लैफ, दोनों को मिला लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी।
लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी अर्थात तरलता समायोजन सुविधा। यह सुविधा दरअसल क्या है, यह देखिए कि एक कम समय में क्या किया जा रहा है, तरलता को कम और ज्यादा करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। अर्थात इन दोनों से क्या हो रहा है, तरलता को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसीलिए अल्पकालिक समय के, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लैफ के नाम से भी जानते हैं। अर्थात लैफ कोई और दर नहीं है जिसको आप कहें कि ये जैसे सीआरआर था, एसएलआर था, ऐसे कुछ और दर नहीं। इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, लैफ के नाम से ही जानते हैं। एक शब्द और है, इसको भी आप समझ लीजिए, वह है एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। यह वह दर है, यह जो सुविधा है दरअसल, जो आप रेपो रेट के माध्यम से क्या कर रहे थे, पैसा ले रहे थे, और पैसा जो ले रहे थे ओवरनाइट रेपो रेट वाला, उसमें क्या पता चला था आपको 0.25% ही पैसा मिल सकता है। अब मान लीजिए आपको पैसे की जो जरूरत पड़ रही है वह 0.25% से ज्यादा की है, और है 24 आवर्स के लिए, ना कि वह 14 डेज और 7 डेज के लिए। तो अब क्या करेंगे, आपको जो ऋण मिलेगा वह रेपो रेट को ना मिलकर अब मिलेगा एमएसएफ। अर्थात अब क्या करेंगे आप, ओवरनाइट ऋण ही प्राप्त कर रहे हैं, बस यह रेपो ओवरनाइट रेपो नहीं है, ओवरनाइट एमएसएफ। इसमें बस अंतर यह है कि अब आपको 2.5% किसका, एनडीटीएल का प्राप्त हो सकता है, जो यहां पर कितना हो रहा था 0.25। अर्थात अब इसमें काफी वृद्धि हो गई है, आपकी अधिक से अधिक आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। यह जो आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, बस इसमें अंतर एक आ जाता है कि रेपो रेट में क्या कर रहे थे, आपको 100% क्या रखनी पड़ रही थी, सिक्योरिटी रखनी पड़ रही थी, तो एमएसएफ पे क्या करना होगा, 105% अर्थात 105% अब क्या करना होगा, आपको सिक्योरिटी रखना। अर्थात आप पैसा ज्यादा ले सकते हैं, पैसा देने में आरबीआई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सिक्योरिटी रखने की जो कंडीशन थी अब क्या हो गई, चेंज हो गई है। और स्वाभाविक है जो ये चेंज हो गई है, ये एमएसएफ क्या हो सकता है, रेपो रेट से कम और ज्यादा जैसा आरबीआई क्या करे, निर्धारित करे, वैसे ही कंडीशन रह सकती। हमने ये पूरा प्रोसेस देखा, ये पूरा प्रोसेस क्या था कि बैंकों का कैसे लेन देन चलता है आरबीआई से। अब इस चीज को जब आपने समझ लिया है तो समझिए एक चीज और, वह यह है कि बैंक के पास क्या है, रुपया ज्यादा है तो वह क्या करेगा, ऋण ज्यादा देगा। ऋण ज्यादा देने के लिए वो क्या कर सकता है, ऋण को सस्ता भी कर सकता है। और जब ऋण ज्यादा दे रहा है, सस्ता है, तो बाजार में क्या है, तरलता क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर सेम कंडीशन रिवर्स हो जाए तो तरलता क्या होगी, कम हो जाएगी। और यही तरलता तो क्या कर रही थी, आपके मुद्रा स्फीति को कम और ज्यादा करने में एक सहायक की भूमिका निभा रही। अर्थात अभी हमने समृद्धि की बात नहीं की है, हमने ये जो पूरा प्रोसेस बैंकों का समझा है, इसके माध्यम से ये समझ रहे हैं हमको, एक तो टर्मोलॉजी क्लियर हो गई क्या होता है, दूसरा ये है कि इनसे क्या होता है कि इन्फ्लेशन की जो कंडीशन है उसको रोकने का प्रयास किया जाए। ये जो रोकने का प्रयास किया जा रहा है आपने देखा, अब देखिए जब बैंकों के पास क्या है, रुपया ज्यादा है, और बैंकों के पास अगर रुपया कम है तो कंडीशन क्या हो जाएगी, सेम होगी। ऋण के लिए उनके पास क्या होगा, पैसा ही कम होगा, और ऋण के लिए जब पैसा कम होगा तो स्वाभाविक सेलेक्ट करेंगे कि किसको ऋण दिया जाए, किसको ना दिया जाए, और उसमें कटौती की जाएगी। और तो यह जो अपनाई जाएगी मौद्रिक नीति, इसको किसको हार्ड मौद्रिक नीति भी बोलते हैं। अर्थात जो सस्ती मौद्रिक नीति अपनाई जा रही थी, सस्ती मौद्रिक नीति से तात्पर्य है कि आसान ऋण पर, किस्तों पर, ब्याज पर आपको पैसा उपलब्ध करवाना अब नहीं हो पाएगा। और जब नहीं हो पाएगा तो जब तरलता ही कम हो,
कम और ज्यादा होगी तो तरलता से ही तो क्या जुड़ा डिमांड। अगर तरलता क्या हो गई तो कम हो गई तो क्या होगा, तरलता कम हो गई तो डिमांड भी कम हो जाएगी, और डिमांड कम हो जाएगी तो डिमांड पुश इन्फ्लेशन जो था वो क्या हो जाए, कम हो जाए। स्वाभाविक है डिमांड पुश जो इन्फ्लेशन कम होगा एक पूरा चक्रीय प्रोसेस चलेगा, और उस चक्रीय प्रोसेस के माध्यम से क्या होगा पूरे जगह पर मुद्रास्फीति क्या होगी कंट्रोल। यह हम जो भी समझे हैं इसका अब हम इसको इसी के साथ साथ एक चीज हमको और समझनी है, वह यह है कि आरबीआई के और उद्देश्य थे, आरबीआई के जो दो उद्देश्य थे उनको भी हम थोड़ा समझ लें, फिर हम बैंकिंग सिस्टम को एक बार दोबारा समझेंगे और उसमें हम देखेंगे वाणिज्यिक बैंक किसको कहते हैं, अनुसूचित बैंक किसको कहते हैं, गैर अनुसूचित बैंक किसको कहते हैं, इनका कारोबार कैसे चल रहा है, एनपीए किसको कहते हैं, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले हमको दो चीजें और समझनी है, वह है कि स्थिर विनिमय दर को बनाए रखना अर्थात विदेशी मुद्रा से हमारे देश की मुद्रा का कैसा फ्लो हो रहा है इसको हमको समझना है, और इसी के साथ साथ हमको आरबीआई की भूमिका, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की भूमिका किस रूप में देखनी है, समृद्धि को कम और ज्यादा। स्वाभाविक समृद्धि किससे आएगी, प्रोडक्शन चाहिए, प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए आपको, कैपिटल चाहिए, एसेट्स चाहिए, वह स्वाभाविक तब होगा जब मार्केट में क्या हो पैसा, लेकिन ज्यादा पैसा मुद्रा स्फीति को क्या करेगा बढ़ा देगा, तो अब आरबीआई के पास डबल जिम्मेदारी है। वह जिम्मेदारी है कि एक तरफ तो उसको समृद्धि दर को बनाए रखना है, दूसरी तरफ उसको यह करना है कि मुद्रा स्फीति की कंडीशन भी ना। अब इसी को हमको थोड़ा सा देखना है कि कैसे दोनों में आरबीआई क्या करती है समायोजन करने का प्रयास करती है।